में चंदा चंदा फूड रेसिपी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे चने दाल की दाल तड़का। तो दाल तड़का कैसे बनाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक गिलास हमने चने की दाल लिया है, इसको अच्छी से हम धो लेते हैं। देखिए, अच्छी से दाल हमने धो लिया है, तभी इसी गिलास से हम चार गिलास पानी लेंगे। चार गिलास कुकर में पानी ले लेते हैं। चार गिलास पानी हमने ले लिया है, इसी में हम चने की दाल डाल देंगे और गैस पे चढ़ा देते हैं। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसमें डालेंगे एक चम्मच सरसों तेल, इससे क्या होता है दाल हमारे जल्दी से गल जाते हैं। और अब ढक्कन लगा लेते हैं और दो तीन सीटी हम लगा लेंगे। ये ढक्कन लगा दिया, तीन सीटी हम लगा लेंगे। देखिए, दाल में हमने तीन सीटी लगा लिया है। देखते हैं दाल हमारा कैसा है, निकाल के दिखाती हूँ। देखिए, दाल हमारा अच्छी से गल गया है। तब इसकी में इसमें लगाएंगे तड़का। तड़का लगाने के लिए हमें लगेंगे ये सब तेज पत्ता, लाल मिर्च, लहसुन, प्याज, टमाटर। प्याज को कट कर लेते हैं महीन महीन। प्याज हमने कट कर लिया है और लहसुन को हम खल में कूट लेंगे और टमाटर को भी मैं कट कर लेती हूँ। टमाटर भी महीन महीन कट कर लेते हैं। कढ़ाई हमारा गरम हो गया तड़का लगाने के, तो इसमें डालते हैं अब सरसों का तेल। आप जो तेल खाते हैं और डालिए। तेल हमारा गरम हो गया, तो इसमें डालेंगे जीरा, तेज पत्ता, लाल मिर्ची, प्याज, लहसुन। सब तेल में दो मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे टमाटर, टमाटर डाल के ही भून लेंगे। एक चम्मच डालेंगे कोल्हापुरी चटनी, कंदा लहसुन चटनी है। एक चम्मच डालेंगे नमक, थोड़ा सा और लगेगा भी, आधा चम्मच और डालती हूँ, आप अपने हिसाब से डालिए। एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला, सब डाल के भून लेंगे अच्छी तरह से। थोड़ा सा डालेंगे इसमें कस्तूरी मेथी, इससे टेस्ट बहुत अच्छी आती है तड़के की। आधा चम्मच डालेंगे इसमें लाल मिर्ची पाउडर, ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि बच्चे सब फिर खाएंगे नहीं, तीखा हो जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से डालिए जितना तीखा पसंद करते हैं आप। देखिए, मसाला हमने अच्छी तरह से भून लिया है, पूरे टमाटर प्याज गल गया, तो इसमें अब डाल देते हैं दाल। दाल डाल के और 5 मिनट हम पका लेंगे, जिसके अच्छी तरह से इसमें मसाले सब घुल जाए दाल में। देखिए, दाल हमारा 5 मिनट हमने पका लिया अच्छी तरह से। अब इसमें डाल देंगे एक चम्मच शुद्ध घी, इससे क्या होता है टेस्ट हमारा बहुत अच्छी लगती है खाने में। चने के दाल में ना शुद्ध घी डालने के बाद बहुत अच्छा लगता है खाने में। अब इसमें डाल देंगे फ्रेश हरा धनिया। देखिए, दाल तड़का बन के हमारा तैयार हो गया। गैस बंद कर देते हैं और एक बर्तन में निकाल लेते हैं। देखिए, दाल तड़का बनके हमारा तैयार है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और हमारा पूरा वीडियो देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय।